हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम क्रिस्पी कॉर्न बनाने जा रहे हैं। यस, ये बहुत ही चटपटा है और बहुत ही टेस्टी है। इसको हम एज ए इंस्टेंट स्नैक्स बना सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई पार्टी है या गेस्ट आ रहे हैं तो इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। मिनटों में बनकर ये तैयार भी हो जाता है। और आप चाहो तो ये जो स्वीट कॉर्न्स है इसको जस्ट निकाल के आप फ्रीजर में रख सकते हो, ताकि जब भी कोई गेस्ट आए तो इजीली स्नैक्स बना सको। तो इसको बनाने के लिए हमको जो सामग्री चाहिए वो है, ये हमने स्वीट कॉर्न्स लिए हैं 2 कप्स जितने लिए। इसको बॉईल किया है और अच्छे से धो लिया है और ये ठंडा हो चुका है अभी। और ये मैंने स्प्रिंग ऑनियंस लिए हैं चॉप्ड 1/4 कप जितने। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है 1/4 टेबल स्पून। ये हमने नमक लिया है स्वादानुसार। रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च 1/4 टेबल स्पून। एक लेमन लिया है नींबू। ये काली मिर्च लिया हमने 1/4 टेबल स्पून जितनी, जिसको मैंने क्रश किया है एकदम अच्छे से। ये 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, इसको हम थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। और ये चाट मसाला 1/4 टेबल स्पून। और ऑयल फ्राई करने के लिए, तो सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न्स में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे और सॉल्ट मिक्स करेंगे। इसको एकदम अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। और ये एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कॉर्नफ्लावर है वो स्वीट कॉर्न के पूरा अच्छे से कोट हो जाए, और अगर नहीं होता है तो आप उसमें और कम ज्यादा डाल सकते हो। ये देखिए, अभी भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, गीलापन है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लावर और ऐड करेंगे और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक एक दाना सूखा हो जाना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए, और एक कोट हो जाना चाहिए कॉर्नफ्लावर से। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और देखिए भाई, हमारी इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज आ रही है, तो सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना भी मत भूलिए। ये देखिए, थोड़ा सा और बचा था तो हमने पूरा 3 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर इसमें यूज कर लिया है। और ये देखिए, हमारे एक एक दाने एकदम अलग हो चुके हैं और कोट हो चुके हैं पूरे अच्छे से। तो ये देखिए, हमारे कॉर्न पूरे कोट हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने एक पैन में ऑयल लिया है और इसको हाई मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। ये एकदम ज्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर एकदम ज्यादा गर्म होगा और हम एकदम गर्म गर्म में डालेंगे अगर स्वीट कॉर्न, तो ये फूटने के चांसेस रहते हैं। ये देखिए, इतना गर्म होना चाहिए और धीरे धीरे जो कॉर्न्स है वो फ्लोट होने चाहिए। तो अब हम सारे स्वीट कॉर्न्स डाल देंगे इसमें। ये देखिए, इस तरह से एकदम ज्यादा फ्लेम नहीं रखना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अब हम इसको मीडियम से थोड़े स्लो फ्लेम पर रख के फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट बाद हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पे हमें इसको 2 मिनट के लिए रखना है, ताकि इसका क्रिस्प अच्छा हो सके और ये एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो सके।
ये देखिए हमारे कॉर्न्स एकदम तैयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। सो अब हम इसको निकाल देंगे और टिश्यूज पर निकालेंगे ताकि दूसरा जो ऑयल है, एक्सेस ऑयल है, वो निकल सके। आप चाहो तो स्ट्रेनर पे भी रख सकते हो। ये देखिए अब हम इसको कुछ स्पाइसेस मिलाएंगे, इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे ताकि एक चटपटा हो सके। ये हमने लाल मिर्ची पाउडर में जीरा पाउडर मिक्स किया है, चाट मसाला मिक्स किया है और ये काली मिर्च, इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी मिलाएंगे, थोड़ा ही मिलाना है नमक इसमें। अब हम इसको कॉर्न्स के साथ मिक्स कर लेंगे। और जब हमने चटपटा कहा है तो चटपटा तो होना चाहिए, तो इसमें लेमन डालेंगे, नींबू डाल देंगे, पूरा एक नींबू मैंने इसमें डाला है। और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे। तो देखिए अभी हमारी रेसिपी एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है। आशा है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।